नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार NIOS के DLED प्रोग्राम की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में चर्चा करेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के विविध उपकरण कौन कौन से हैं। और हमारे पास आज स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी, जो महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। अखिलेश जी नमस्कार, और साथ ही हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार। तो गिरीश जी, आजकल हर जगह जैसा कि सुनने में आ रहा है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग हर जगह धड़ल्ले से बढ़ता जा रहा है। इससे पिछली कक्षा में हमने चर्चा भी की थी कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक बार संक्षेप में इन पर चर्चा कर लें, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपसे कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपकरण कौन कौन से हैं। जी बहुत अच्छा। तो पिछली कक्षा में हमने ये देखा कि सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी है क्या, और सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि सूचनाओं के संग्रहण, संपादन, संगठन, प्रस्तुतिकरण एवं संप्रेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी को सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसके प्रकार और इसके तत्वों के विषय में भी हम लोगों ने बातचीत की थी जी। इसके तत्व हम लोगों ने देखे थे कि इसके तीन मूलभूत तत्व हैं जी। जैसे पहला तत्व था सूचना संप्रेषण संबंधी संरचना जी, दूसरा तत्व सूचना प्रौद्योगिकी, और तीसरा तत्व संप्रेषण प्रौद्योगिकी का था जी। इसके प्रकार पर जब बातचीत की गई थी तो हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि ऐसा कोई सर्वमान्य वर्गीकरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन विद्वानों ने या इस क्षेत्र में जो लोग निरंतर कार्यरत हैं उन लोगों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण हेतु या अपनी सुविधा के लिए इन प्रौद्योगिकी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तीन भागों में या तीन वर्गों में इसे विभाजित किया है जी। पहला वर्ग सूचना संप्रेषण की श्रव्य प्रौद्योगिकी का है जी। दूसरा वर्ग दृश्य प्रौद्योगिकी का हो जाता है जी। और तीसरा वर्ग सूचना संप्रेषण की दृश्य श्रव्य प्रौद्योगिकी का हो जाता है जी। ये चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। अब आज की कक्षा में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जो है उसके प्रमुख उपकरण कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं, और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरण, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। उपकरण की जब हम बात करते हैं और विशेषतः सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपकरण की बातचीत की जाती है जी, तो विद्यार्थियों को सबसे पहले उपकरण का अर्थ जान लेना श्रेयस्कर होगा जी। उपकरण सामान्यतः साधन है जिसको प्रचलित भाषा में औजार भी कहा जाता है जी। तो उपकरण से आशय हमारा उन साधनों से होता है जो किसी भी कार्य को संपादित करने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे हल, कुदाल, थ्रेसर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, हथौड़ी, रेती, आरी, रांदा, कुदाल, वेल्डिंग मशीन, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर आदि। तो इस संदर्भ में पेन भी हमारे लिए एक उपकरण है जी जी। क्योंकि ये भी लिखने के कार्य में हमारी सहायता करता है। और जब हमारे पास आधुनिक तकनीकी से युक्त पेन नहीं होते थे तो हमारा लेखन कार्य थोड़ा मुश्किल था। पेन यानी कलम लेखनी तो उस समय भी थी जी। जो सरकंडे और अन्य लकड़ियों की मदद से बनाए जाते थे या मोर की पंख से बनाकर उसको स्याही में डुबोकर और लिखा जाता था। लिखने का काम तब भी होता था लेकिन थोड़ा मुश्किल था आज की तुलना में। तो हम ये भी बिल्कुल नहीं कह सकते कि प्रौद्योगिकी का उपकरण जो है बिल्कुल नई चीज है जी। हमारे पास ये आदिकाल से चली आ रही है। पत्थरों के औजारों का प्रयोग आदिकाल के मानव किया करते थे, फिर उन्होंने पहिया बनाया, फिर आग का आविष्कार किया। अपने काम को आसान करने के लिए निरंतर वो लोग प्रयास करते रहे। नई नई तकनीकी या नई नई प्रौद्योगिकी का उद्भव होता रहा और आज भी ये हो रहा है जी। तो इसलिए नए नए उपकरण भी सामने आ रहे हैं। अब जो उपकरण जिस कार्य में हमारी सहायता करता है हम उसको
उसी कार्य का उपकरण मान लेते हैं, जैसे हल, कुदाल, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ये सब जो उपकरण हैं उनको कृषि कर्म का उपकरण माना गया क्योंकि ये कृषि के काम में आते हैं। हथौड़ी, रेती, रांधा, ये सारे उपकरण जो है वो काष्ठकारी के उपकरण है क्योंकि काष्ठ कार्य में, काष्ठ से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर के निर्माण आदि में इन सब का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग मशीन को हम कह सकते हैं कि बहु उपयोगी है, ये बहुत प्रकार के कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जिस उपकरण का प्रयोग जिस कार्य के लिए किया जाता है उसको उसी कार्य का उपकरण मान लिया जाता है। मतलब दो महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, वो पहला कि कोई भी वह वस्तु जो हमारा कोई काम आसान कर दे वो एक उपकरण है जी, और दूसरी कि जिस वस्तु को जिस काम में लिया जाता है सामान्यतः उसको उसी की श्रेणी में रख दिया जाता है कि ये इस कार्य के लिए निर्धारित उपकरण है। जी हाँ जी। अब आगे जब उपकरण का सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हम बात करेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि सूचनाओं के संगठन, भंडारण, प्रस्तुतिकरण, प्रसारण एवं संप्रेषण के कार्य को सहज और प्रभावपूर्ण ढंग से संपादित करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसे सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपकरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम रेडियो को ले सकते हैं, दूरदर्शन को ले सकते हैं जी, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, इंटरनेट, सिनेमा, कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट्स हैं जैसे कि एडुसेट जी, स्मार्ट बोर्ड, इंटरैक्टिव बोर्ड, डिजिटल कैमरा, डिजिटल लाइब्रेरी, आभासी कक्षा कक्ष जो कि वर्चुअल क्लासरूम के रूप से ज़्यादा जाना जाता है, आभासी प्रयोगशाला यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण हैं या सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरण हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताएं ये स्मार्ट बोर्ड क्या है। स्मार्ट बोर्ड, बोर्ड शब्द से तो सारे लोग परिचित हैं। हाँ हाँ, शिक्षण अधिगम के संदर्भ में बोर्ड कक्षा कक्ष का एक उपकरण होता है जी, जिस पर शिक्षक अपने विषय को लिखकर विद्यार्थियों को पढ़ाता है जी, या विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा कहे गए कार्य को उस पर लिखकर और संपादित करते हैं जी, अगर शिक्षक का ऐसा आदेश होता है जी। अब बोर्ड के पहले स्मार्ट शब्द आ गया। हाँ, वो स्मार्ट कैसे? स्मार्ट बोर्ड का अर्थ ये हो गया कि अब यहाँ पर लिखने की प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है जी, सारी चीजें उस बोर्ड पे कंप्यूटर के माध्यम से पहले से ही फिट रहती है जी, और आपका काम इतना आसान हो जाता है कि बस वन टच आप माउस को एक बार क्लिक करते हैं और आप जो कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं वो ऑडियो या वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब मल्टीमीडिया मटेरियल को प्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इस बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता, लिखा भी जा सकता है, लेकिन लिखने की सामग्री भी भिन्न होती है। वो प्राचीन काल के बोर्ड पर जो हम लोग पेंसिल या चौक से लिखा करते थे, फिर थोड़ा आधुनिक काल आया तो ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड आ गया जिसपे मार्कर की मदद से लिखा जाता था, बिल्कुल। या ग्रीन बोर्ड आया जिस पर सफेद रंग के चौक से लिखा जाता था। तो लिखा इस बोर्ड पे भी जाता है, ऐसा नहीं कि स्मार्ट हो गया तो इस पे लिखना नहीं जा सकता है, लिखा यहाँ भी जाता है जी। लेकिन वो लिखने की सामग्री भी भिन्न हो जाती है, वो मैग्नेटिक पेन जैसी कुछ चीज होती है जिससे कि उस पर लिखा जाता है। और इसी संदर्भ में जब स्मार्ट बोर्ड की बात चली तो मैं आभासी कक्षा कक्ष और आभासी प्रयोगशाला के विषय में भी थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा अपने दर्शकों को, क्योंकि ये दोनों नवीन संप्रत्यय हैं और इसका विकास अभी हाल के एक दो वर्षों में ही माना जा सकता है। हालांकि संप्रत्यय सुनने में तो बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन इसका प्रचलन जो है अभी बढ़ा है, हाल के एक दो वर्षों में ज़्यादा हुआ है, तेजी से वृद्धि हुई है इसमें। तो आभासी कक्षा कक्ष पे पहले बात करते हैं जो कि वर्चुअल क्लासरूम के रूप में जाना जाता है सामान्यतः विद्यार्थियों या शिक्षकों के बीच में, ये वर्चुअल क्लासरूम के बीच में ही प्रचलित है। क्लासरूम जहां पर कि शिक्षक और विद्यार्थी बैठकर एक निश्चित विषय वस्तु को निश्चित चक्र में यानी निश्चित समय अवधि में पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं जी। अब उसके साथ वर्चुअल या आभासी की बात हो गई जी, मतलब जो वास्तव में नहीं है लेकिन जिसका आभास होता है जी।
यानी एक कृत्रिम परिस्थिति में हम वास्तविक परिस्थिति का अनुभव करते हैं, ऐसा संभव सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से होता है, सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एक भाग है। जी। आभासी प्रयोगशाला भी कुछ ऐसी ही बात है। जी। अब चूंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और शिक्षा सबका अधिकार है, किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है, शिक्षा में कुछ ऐसे विषय हैं जिनको कि प्रयोगशाला के बिना पढ़ा नहीं जा सकता है, या यूं कह ले कि जिनका अध्ययन अध्यापन जो है वो प्रयोगशाला के बिना संभव नहीं है। जी। जैसे विज्ञान की कोई भी कक्षा ले ले हम, हाँ हाँ। कंप्यूटर जी बिना प्रयोगशाला के पढ़ना संभव नहीं है। बिल्कुल। और फिर भाषा में भी लैंग्वेज लैब भाषा प्रयोगशाला की बातचीत की जाने लगी है। जी। तो अब जनसंख्या अधिक होने के कारण विद्यालयों की संख्या भी अधिक है। बिल्कुल। और संसाधन हमारे सीमित हैं। हाँ। तो सीमित संसाधन से हर एक विद्यालयों में प्रयोगशाला की मौजूदगी कराना या प्रयोगशाला उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अब जिन विद्यालयों में हम प्रयोगशाला नहीं दे पाते हैं, तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम वहाँ के विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि वास्तविक परिस्थिति में तो वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, प्रयोग करके तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ले रहे हैं और उस ज्ञान का उस अमुक विषय के लिए कोई उपयोग नहीं रहता है। तो आभासी प्रयोगशाला या वर्चुअल लैब की संकल्पना ने जन्म लिया। अब प्रयोगशाला न होते हुए भी प्रयोगशाला का आभास होता है, ये प्रयोगशाला की कमी को पूरी तरह से तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन एक हद तक, एक सीमा तक हमें ये उसका एहसास कराता है, जिसमें विद्यार्थी ठीक उसी तरीके से प्रयोग करते हैं विभिन्न सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से। इंटरनेट पे ऐसे विभिन्न सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ढेर सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आभासी प्रयोगशाला का वातावरण देते हैं और जिसमें विद्यार्थी वैसे ही प्रयोग करता है जैसे कि वास्तविक प्रयोगशाला में वो करता है। तो एक हद तक उसकी ये कमी जो है पूरी हो जाती है। और ख़ास करके अगर दूरस्थ माध्यम से शिक्षा की बात करें तो उसके लिए तो सूचना संप्रेषण तकनीकी के जो ये उपकरण हैं वो वरदान हैं। अब जैसे ये कार्यक्रम भी श्रोताओं तक या दर्शकों तक जब प्रसारित होगा, जब पहुंच पा रहा है, तो वो सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही पहुँच पा रहा है। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरणों का पूरा योगदान इस ऑनलाइन ओडीएल प्रोग्राम में है। जी, तो बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर गिरीश कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपकरण कौन कौन से हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरण जो हैं इनका कोई क्लासिफिकेशन, कोई वर्गीकरण है क्या, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा कुछ वर्गीकरण है क्या उपलब्ध? हाँ, वर्गीकरण उपलब्ध है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इस प्रकार के वर्गीकरण नहीं है। जी। एक परंपरा तो यहाँ भी वही चली आई जी, जो उपकरण के स्वरूप के आधार पर हम कह दे कि ये दृश्य उपकरण है, ये श्रव्य उपकरण है और वो दृश्य शब्द उपकरण है। जी। लेकिन चूंकि इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर ली है तो इस पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। हाँ। हम एक अन्य वर्गीकरण की बात करते हैं जिसमें सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरणों को चार भागों में बांट दिया गया है। जी। पहला प्रकार होता है सूचनात्मक उपकरण। जी। इसके लिए जो प्रचलित शब्द है वो है इंफॉर्मेटिव टूल्स ऑफ आईसीटी, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के सूचनात्मक उपकरण। अब ये क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो उपकरण सूचनाओं को भंडारित करने, संग्रहित करने, उसके प्रस्तुतीकरण के लिए प्रयोग किया जाता हो उसको हम सूचनात्मक उपकरण कह सकते हैं। जी। बहुत सामान्य सी बात है। बिल्कुल। जैसे आप कंप्यूटर को ही ले लीजिए, कंप्यूटर का प्रयोग हम सूचनाओं के भंडारण, संग्रहण एवं प्रस्तुतीकरण के लिए करते हैं। जी। तो ये एक तरीके से हमारा सूचनात्मक उपकरण भी है। जी। दूसरी बात करेंगे हम, या दूसरा वर्ग जो हमारा हो जाता है वो है स्थापत्यात्मक, सिचुएटिव उपकरण।
या इसको सिचुएटिंग उपकरण भी कहा जाता है, सिचुएटिंग टूल्स ऑफ आईसीटी। स्थापत्यात्मक शब्द थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जटिल होगा, तो मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बिल्कुल। ये सामान्यतः अधिगम परिस्थिति और विद्यार्थियों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। ये विद्यार्थियों को उस परिस्थिति में ले जाकर स्थापित कर देता है जिसमें वो सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो इसलिए चूंकि ये एक परिस्थिति में एक वातावरण का निर्माण कर रहा है, एक परिस्थिति में विद्यार्थियों को स्थापित कर रहा है, इसलिए हम इसको स्थापत्यात्मक या सिचुएटिंग उपकरण कहते हैं। ऐसे कुछ उपकरणों को उदाहरण बताएं। ऐसे कुछ उपकरणों में हम इंटरनेट को ले सकते हैं, इंटरनेट, ओके, वेब आधारित और भी जितने संसाधन हैं, जी, डिस्कशन फोरम्स हैं, जी, ये सारे जो हैं वो हमें एक परिस्थिति में ले जाकर स्थापित कर देते हैं। जी, इंटरनेट के माध्यम से ही हम सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के विभिन्न अन्य उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट तो खुद एक उपकरण है, हाँ, लेकिन ये विद्यार्थी और प्रौद्योगिकी के अन्य उपकरणों के बीच में एक कड़ी है, कड़ी है, एक संबंध भी स्थापित करता है। तीसरा उपकरण या तीसरा प्रकार संरचनात्मक उपकरण है, जो कि सामान्यतः कंस्ट्रक्टिव टूल्स ऑफ आईसीटी के रूप में जाना जाता है। अब ये कंस्ट्रक्टिव टूल्स क्या है? कंस्ट्रक्शन शब्द का अर्थ है निर्माण, कुछ रचना करना, कुछ बनाना। तो वो उपकरण जो हमें कुछ सृजन करने की सुविधा प्रदान करते हैं उसको हम इस श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ले सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमें विभिन्न प्रकार से अपने सूचनाओं को जिस स्वरूप में हम चाहते हैं उस स्वरूप में निर्मित करने में हमारी सहायता करते हैं, इसलिए इनको हम संरचनात्मक उपकरण की श्रेणी में रखते हैं, कंस्ट्रक्टिव टूल्स ऑफ आईसीटी। चौथा वर्ग हो जाता है संप्रेषणात्मक उपकरण का। संप्रेषणात्मक उपकरण यानी कि कम्युनिकेटिव टूल्स ऑफ आईसीटी। अब कम्युनिकेशन शब्द से तो अभी हमारा हम लोगों का बहुत बार पाला पड़ा, अनेक बार हम लोगों ने इस पर चर्चा की और कम्युनिकेशन सबसे हमने बहुत चर्चा की और इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। तो वो उपकरण जो सूचनाओं के आदान प्रदान यानी सूचनाओं को कम्युनिकेट करने में हमें सहायता हमारी सहायता करता हो जी। वो संप्रेषणात्मक उपकरण कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत आप रेडियो को रख सकते हैं, आप दूरदर्शन को रख सकते हैं, आप मोबाइल फोन को रख सकते हैं, ईमेल है, वॉइस चैट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे जितने भी तथ्य हैं, उपकरण हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, वो संप्रेषणात्मक उपकरण कहे जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के जो उपकरण हैं उनके शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपकरणों का शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में क्या उपयोग है और कितना उपयोग है? कितना उपयोग है पहले इस बात से शुरू करते हैं। तो इस बात को तय करना कितना उपयोग है ये कठिन काम है, कठिन काम है, या इस प्रकार से स्टूडियो में बैठकर करना ये थोड़ा सा दुरूह प्रतीत होता है जी। क्योंकि जब एक शिक्षक वास्तविक परिस्थिति में अपने विषय का शिक्षण करता है तो उस विषय की कितनी आवश्यकता है जी, उस विषय में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कितना प्रयोग किया जा सकता है ये वो शिक्षक ही तय कर सकता ये है। ये एक हद तक सिचुएशनल है और कंटेंट बेस्ड, कंटेंट बेस्ड है जी। कि और साथ ही साथ सिचुएशनल भी है जी, किस परिस्थिति में हम कर रहे हैं करना है और किस कंटेंट के लिए कर रहे हैं, हाँ। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी सीमा तय की जाती है कितना हमें करना है। ऐसे कोई एक निश्चित सीमा हम नहीं बता सकते कि 90% या 100% या 0%, ऐसा इसकी सीमा हम नहीं तय कर सकते हैं। तो कितना प्रयोग है वो बिल्कुल परिस्थिति जन्य और विषय से संबंधित बात हो जाती है। अब क्या उपयोग है इस पर अगर बातचीत की जाए तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि
चूंकि शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसे पहले तीन आधारभूत आवश्यकताएं बताई जाती थी हम लोगों की, भोजन, वस्त्र और आवास, आजकल इन आधारभूत आवश्यकताओं की संख्या में एक वृद्धि हो गई है और शिक्षा को चौथी आधारभूत आवश्यकता मान ली गई है। साथ में ये तर्क भी दिया गया है कि शिक्षा सबसे मुख्य आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि बाकी तीन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं इस शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। यानी हम शिक्षा के माध्यम से ही इस योग्य बनते हैं कि हम भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति कर सके। इस प्रकार से शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ में हम यह भी देख रहे हैं कि सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने जीवन के हर क्षेत्र में अपने पैर जमा लिए हैं। तो जब सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी भी जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो गया है और शिक्षा भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। तो सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के शिक्षण अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि इसने ज्ञान प्राप्ति के नए नए मार्ग प्रशस्त किए हैं। जी, हमारा आज का विद्यार्थी और शिक्षक सिर्फ पुस्तकों पर आधारित नहीं रह गया है। जी, वो पुस्तकों के अतिरिक्त भी ज्ञान प्राप्ति के वैकल्पिक साधनों को ढूंढता है, उनके प्रयोग भी करता है। सिर्फ ढूंढता ही नहीं, उनके प्रयोग भी करता है। जी, आज इंटरनेट पर अनेक प्रकार के लेख पढ़े होते हैं, अनेक विषयों से संबंधित लेख पढ़े होते हैं, अनेक पाठ योजनाएं पढ़ी होती है, जिसका अध्ययन करके विद्यार्थी अपने उस विषय से संबंधित अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इसके अलावा टेक्सचुअल डिस्कशन फोरम बने हुए हैं, जिसमें वो अन्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ जुड़कर चर्चा करता है, उनके विचारों को जानता है, अपने विचारों से उन्हें अवगत कराता है, नए सुझाव देता है। तो ये सब संभव सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरण के माध्यम से ही हो रहा है। जी। तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और जीवन के अन्य क्षेत्रों में तो इसका उपयोग हो ही रहा है। विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने की सुविधा पा रहे हैं। जी। उसके साथ साथ उन सूचनाओं को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं, वो अपने साथियों के साथ इसे प्रसारित कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। जी, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि सूचना जो है वो व्यक्ति विशेष तक या कुछ व्यक्तियों तक सीमित न रहकर वो ज्ञान का प्रसारण हो रहा है, वो अन्य व्यक्तियों तक पहुंच रही है और कम समय में सहजता के साथ पहुंच रही है। भाई, कक्षा कक्ष की संख्या तो सीमित हो जाती है, लेकिन यहां पर कोई सीमा नहीं है। यहां पर जितने विद्यार्थी चाहे उतने एक साथ सीख सकते, ये असीम है। तो ये एक हमें फायदा होता है कि कम समय में हमारी पहुंच ज्यादातर विद्यार्थियों तक पहुंच हो रही है या ज्यादा व्यक्तियों तक हमारी पहुंच बन पा रही है। शिक्षण कार्य को यह बहुत आसान बना देता है, साथ ही साथ आकर्षण भी बना देता है। विद्यार्थियों का ध्यान जो है वो कक्षा में उपस्थित हो जाता है, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी मानसिक रूप से उपस्थित होने लगते हैं। तो इन उपकरणों का उपयोग करके, विशेषतः स्थापत्यात्मक एवं संप्रेषणात्मक, इन उपकरणों का उपयोग करके जहां विद्यार्थी के अधिगम को हम निर्देशित कर सकते हैं, हम एक ओर उसे दिशा दे सकते हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को भी यह अवसर मिलता है कि वह अपने अधिगम को और संपोषित कर सके और उन्नत कर सके। तो विद्यार्थियों को भी यहाँ ये अवसर मिल जाता है। शिक्षण के विभिन्न चरणों में, जैसा कि पता है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है और जब प्रक्रिया है तो इसके चरण होंगे, जैसे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, ये सब शिक्षण प्रक्रिया के चरण होते हैं। तो इन विभिन्न चरणों में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपकरणों या एक ही उपकरण का प्रयोग कर हम इसको और प्रभावी बना सकते हैं। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है ये, विद्यार्थी एवं शिक्षक विद्यार्थी के मध्य अंतरक्रिया को बढ़ाता है और सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रभावी एवं सफल अधिगम को सहज करता है। साथ ही साथ शिक्षण विधि, जो हमारे टीचिंग मेथड्स है, क्योंकि हर एक विषय को पढ़ाने की अपनी कुछ विधि होती है, तो उन विधियों को और उन्नत करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ
हम इसके कुछ सहयोगात्मक उपयोग भी देख सकते हैं, जहां पर ये दो उपकरणों के बीच में या विद्यार्थी एवं उपकरण के बीच में सहयोग प्रस्तुत करता है, इंटरफेस का काम करता है, एक वातावरण देता है। खासकर जब विद्यार्थी केंद्रित अधिगम की बात की जाती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो हम लोग का है, उस उपागम की जब हम बात करते हैं तो शिक्षक विद्यार्थी एवं विद्यार्थी विद्यार्थी के मध्य अंतर क्रिया होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के कुछ ऐसे तत्व हैं जो कक्षा कक्ष के बाहर या कक्षा कक्ष के भीतर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने व्हाट्सएप और टेक्सचुअल डिस्कशन फोरम की बात की जी। तो टेक्सचुअल डिस्कशन फोरम क्या है? वो एक सहयोगात्मक उपकरण के रूप में जाना जा सकता है। हाँ, कई लोग, क्योंकि उस पर कई लोग एक साथ जुड़कर वो विभिन्न व्यक्तियों के बीच में एक वातावरण का निर्माण करता है, जिसमें एक ही विषय पर विभिन्न विद्यार्थी या शिक्षक विद्यार्थी चर्चा परिचर्चा करते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, उनके सुझाव को जानते हैं। मतलब ये सोशल मीडिया जो है पूरा, तो ये सहयोगात्मक उपकरण के रूप में इसे प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, या इसे हम देख सकते हैं कि ये इसके अलावा सोशल मीडिया के अलावा विकिपीडिया, और माई स्पेस, याहू पर जो डिस्कशन ग्रुप बने हुए, ये सब उसके क्षेत्र में, उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या उस वर्ग में आते हैं। अभी तक हम लोगों ने शिक्षा प्रक्रिया में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात की जी। अब हम मूल्यांकन प्रक्रिया में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और मूल्यांकन प्रक्रिया में इसके उपयोग में हम ई पोर्टफोलियो और ऑनलाइन रूब्रिक, डिजिटल कॉन्सेप्ट मैपिंग आदि जैसे सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करते हैं जी। मूल्यांकन प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रयोग का यह लाभ हो जाता है कि विद्यार्थियों को प्रत्यावर्ती चिंतन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है जी, जी। विद्यार्थी यहाँ पर स्वयं अपना मूल्यांकन करता है, वो स्वयं देखता है कि हमारी क्या अच्छाई है, हमारी क्या कमी है, हमें अपने आप को और कहाँ उन्नत करना है जी। साथ ही साथ हमारे समय की भी बचत हो जाती है। जैसे हमने कहा कि ई पोर्टफोलियो, तो अगर हमें किसी विद्यार्थी के एक साल का सर्वश्रेष्ठ देखना हो तो हम ई पोर्टफोलियो की माध्यम से एक क्लिक की सहायता से देख सकते हैं, तुरंत सूचना निकाल लेंगे, तो समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है। इस प्रकार से विद्यार्थी एवं शिक्षक कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि उपकरणों का उपयोग करते हैं, अधिगम के वैकल्पिक स्रोतों को ढूंढते हैं, किसी विषय वस्तु का अध्ययन एवं अध्यापन करते हैं, अपनी प्रगति का स्वमूल्यांकन करते हैं, और साथ ही स्वपृष्ठ पोषण भी प्राप्त करते हैं। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपकरण का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये प्राप्त होता है कि यहाँ विद्यार्थी अपने समय एवं अपनी गति से सीखता है, जिससे क्या होता है कि उसके अधिगम स्तर के में प्रभावी वृद्धि होती है। वह ऑनलाइन फोरम के साथ जुड़कर चर्चा एवं परिचर्चा करता है, अंतर क्रिया करता है। आजकल इस संदर्भ में वेबिनार को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, जो सेमिनार के विकल्प के रूप में सामने आ रहा है, बहुत सशक्त विकल्प के रूप में सामने आया है। जैसे कि उसमें बहुत सारे व्यक्ति, जैसे सेमिनार में बहुत सारे सहभागी प्रतिभागी एक स्थान पर जुटकर और किसी विषय पर चर्चा परिचर्चा करते हैं, वहाँ वेबिनार में व्यक्ति अपने स्थान पर बैठा हुआ इंटरनेट एवं कंप्यूटर का प्रयोग करके विभिन्न व्यक्तियों के साथ किसी विषय पर चर्चा एवं परिचर्चा करता है, अपनी शंका प्रस्तुत करता है, उसका समाधान प्राप्त करता है। उसमें एक और फायदा ये है कि उसको कभी भी जो है दोबारा देखा जा सकता है, दोबारा देखा जा सकता है, जबकि सेमिनार के साथ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सेमिनार के एक सशक्त विकल्प के रूप में आजकल सामने आ रहा है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सफल एवं प्रभावी बनाता है, लेकिन यह सफलता पूरी तरीके से शिक्षक के प्रयास पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि हम उपकरण को ले जाके कक्षा कक्ष में रख दें जी। और हमें लाभ मिलना शुरू हो जाए, शिक्षक को प्रभावी उपयोग उसका आना चाहिए और शिक्षक
जितने ही अपनी शिक्षण विधि को विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण या परियोजना आधारित शिक्षण या सहयोगी अधिगम आधारित शिक्षण में परिवर्तित करता है, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी उसका उतना ही अधिक समर्थन करती है, सहायता करती है और उसके शिक्षण को प्रभावी बनाती है। मित्रों, आज हमने देखा, आज की चर्चा में हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी जी, उन्होंने हमें बताया कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के विभिन्न उपकरण कौन कौन से हैं, उनके क्या वर्गीकरण हैं, किस किस श्रेणी में उनको रखा जा सकता है, और साथ ही हम लोगों ने इस पर भी चर्चा की कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्या उपयोग हो सकता है शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए डॉक्टर गिरीश को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।